الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون मोहतरम हाजरीन जुमा, आज 29वां रोज़ा है रमज़ान का महीना अब रुख्सत होने वाला है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह ईद उल फ़ित्र का चांद नज़र आएगा, शव्वाल का चांद नज़र आएगा और कल हम अपना सबसे बड़ा इस्लामी त्यौहार ईद उल फ़ित्र मनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, रमज़ान तो जा रहा है मगर रमज़ान का ये महीना बहुत कुछ हमें और आपको सिखा करके जा रहा है। रमज़ान का महीना एक ट्रेनिंग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें और आपको इस महीने ने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक जो रमज़ान ने हमें और आपको सिखाया है वो ये है कि दीन के ऊपर चलना, दीनदारी अपनाना, दीनदारी वाला माहौल पैदा करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं था, रमजान ने उनको सिखाया कि तू टाइम निकाले तो तू नमाज पढ़ सकता है। जिसे रात में कभी उठ करके तहज्जुद पढ़ने की तौफीक साल के 11 महीने में कभी नहीं हुई, रमजान में पढ़ी जाने वाली तरावी ने हमें सिखाया कि एक नमाज ऐसी भी होती है जो रात में अपने आराम को कुर्बान करके, अपनी नींद को कुर्बान करके पढ़ी जाती। रमज़ान में सदका और खैरात इस कदर कसरत से दिया जाता है, एक सबक मिलता है कि माल की मोहब्बत ठीक है, नेचुरल है, माल से इंसान बहुत मोहब्बत करता है मगर अल्लाह के हुक्म पर इस माल का 2.5% हम ज़कात की शक्ल में निकालते हैं। उसके अलावा सदका और खैरात
अल्लाह की राह में हम कर सकते हैं। तो दीनदारी, दीन पर अमल करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम चाहें तो हम एक दीनदार मुसलमान बन सकते हैं। ये रमज़ान का सबसे पहला सबक है। रमज़ान का दूसरा सबक, जिसके लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े तुम्हें मुत्तकी बनाने के लिए फ़र्ज किए गए। रमज़ान ने हमें तकवा का सबक दिया। अल्लाह का डर क्या होता है, तकवा क्या होता है, इसको बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है रमज़ान। इंसान गर्मी से बेहाल है, प्यास से बेहाल है, हलक सूख करके कांटा हुआ जाता है, मगर क्या मजाल है कि पानी का एक कतरा इंसान अपने हलक के अंदर डाले, ये तकवा नहीं है। इंसान कमरे में बैठा हुआ है, फ्रिज के अंदर दुनिया भर की अनवाव अकसाम की खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, लेकिन इंसान सुबह फजर से लेकर के मगरिब के वक्त तक उन तमाम चीज़ों को अपने लिए हराम समझता है, क्या ये तकवा नहीं है? यही तकवा है मेरे भाई। अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रुक जाना, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया उनसे परहेज करना, यही तकवा है। रमज़ान ने हमें तकवा का सबक दिया। रमज़ान ने हमें सब्र सिखाया। सब्र किसको कहते हैं? गुनाह करने का मौका मिले, नाफरमानी करने का मौका मिले, लेकिन हम गुनाह से अपने आप को बचाएं, यही सब्र है। गुनाह करने के तकाजे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, गुनाह करने की सहूलत भी हासिल हो रही है, मगर हम अपने आप को गुनाह से बचा लें, यही सब्र है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। रमज़ान जा रहा है मेरे भाइयों, मगर हमें और आपको एक सबक ये भी सिखा के जा रहा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदल ले। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। रमज़ान में हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है। कौन सुबह 4 बजे उठ करके नाश्ता करता है भाई? रमज़ान में हम सुबह के 4 बजे 3:30 बजे उठ करके सहरी कर रहे हैं। दोपहर के खाने का तसव्वुर 1 महीने के लिए गायब हो जाता है हमारे समाज से। सोने का टाइम बदल जाता है, उठने का टाइम बदल जाता है, पूरी जिंदगी का शेड्यूल बदल जाता है। रमज़ान हमें ये सबक देता है कि अगर बदलना चाहो तो बहुत कुछ बदल सकता है जिंदगी। इंसान जब ये कहता ना कि मेरी ये आदत छूट नहीं सकती, मुझे इस चीज़ की लत लग गई, मुझे इस चीज़ की बीमारी लग गई, ये इंसान अपने आप से झूठ बोलता है। इंसान को किसी चीज़ की लत लगती नहीं है, इंसान अपने आप को उस चीज़ का आदि बनाता है। जिस दिन इंसान ये तय कर ले कि मुझे इस चीज़ को छोड़ देना है, वो छोड़ देगा। भाई साहबे किराम शराब के हराम होने के पहले शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? बहुत पीते थे शराब, उनके कल्चर में शराब शामिल थी, उनके दस्तरखान का एक हिस्सा थी शराब। मगर जब सूरह मायदा की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाबु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब शराब के ऊपर यह आयत नाजिल हुई कि शराब हराम है, गंदा काम है, शैतान का काम है, इससे बचो, सहाबे किराम ने शराब के बर्तन अपने घरों से निकाल निकाल के फेंके। शराब भाई बर्तन तो धो दो पाक हो जाएगा ना, कोई गिलास है, कोई मटका है, पहले शराब पीते थे, अब उसको धो दो पाक हो जाएगा। मगर सहाबा ने शराब जिन बर्तनों में पी जाती थी उस बर्तन को घर में रखना गवारा नहीं किया, बर्तनों को निकाल के फेंक दिया। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई माइक में अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बस कुरान की ये एक आयत उतरी है और मदीना की गलियों में ऐसा लग रहा है शराब की नदियां बह रही। तो रमज़ान हमें ये सिखा रहा है मेरे भाई। जो लोग किसी किस्म के नशे के आदी हैं, जो लोग किसी किस्म की कमज़ोरी के आदी हैं, जो लोग किसी किस्म की बुरी आदत के आदी हैं,
रमजान ये ट्रेनिंग देके जा रहा है, ये सबक सिखा के जा रहा है कि आ जाओ, अगर एक महीना तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है तो तुम अपनी बुरी आदतों पर भी काबू पा सकते हो, बस शर्त यह है कि अपने दिल में पक्का इरादा करो। मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है, हमारे माशरे की बड़ी कड़वी हकीकत यह है कि हम समाज में रमजान के अंदर जो दीनदारी का माहौल देखते हैं, जो रूहानियत देखते हैं, मस्जिदों के अंदर जो लोगों की हाजिरी देखते हैं, कुरान करीम की तिलावत का जो जज्बा देखते हैं, ताक रातों में उठ करके नमाज पढ़ने का जो हम जज्बा देखते हैं, ये सारा जज्बा, ये सारी दीनदारी रमजान खत्म होते ही और ईद का चांद निकलते ही ऐसा लगता है खत्म हो गया। ये क्यों होता है, कभी इस पर हमने गौर किया? भाई हम बाइक इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी जब बहुत यानी उसके अंदर परेशानियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम गाड़ी को सर्विस में देते हैं। अब मैकेनिक ने उसमें उसकी सर्विसिंग की, उसमें तेल पानी डाला, अब गाड़ी फर्स्ट क्लास हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते साहब कि हमने गाड़ी की सर्विसिंग करा ली और ला करके उसको गैरेज में ला के खड़ी कर दिया, हम ऐसा तो नहीं करते। गाड़ी की अगर सर्विसिंग होगी तो हम उसको और अच्छे तरीके से चलाते हैं। रमजान हमारी रूहानी सर्विसिंग है मेरे भाई, उसने हमारे वो कल पुर्जे जो जाम पड़े थे उसको फ्री कर दिया। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारी जिंदगी में नमाज के लिए टाइम नहीं था, रमजान में टाइम निकला कि नहीं निकला? क्या हमारी गद्दियां बंद हो गई, हमारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कारोबार बंद हो गए? हमारा कारोबार अपनी जगह चला, हमारी नमाज अपनी जगह चलती रही। जो लोग नमाज की पाबंदी रमजान में करते, मैंने देखा पहली सप में आते हैं, बस नौजवानों को देखा कि पहली सप में आते हैं, मार्केट में है, कारोबार के सिलसिले में गए हैं, नमाज का टाइम हो उनको फिक्र होती है, वो मार्केट में ही कहीं नमाज पढ़ते हैं। तो जो ये एहतमाम हम नमाज का रमजान में करते हैं, क्या बाकी दिनों में नहीं कर सकते? हम रमजान के खत्म होते ही उसको रोक क्यों देते हैं? कुरान करीम के 14वें पारे में अल्लाह ताला ने एक औरत का जिक्र किया है। मक्के में एक औरत रहती थी, बूढ़ी औरत थी, वो क्या करती थी कि धागा बनाती थी, सूत बनाती थी। उस जमाने में चरखा चलता था, चरखे से वो सूत बनाती थी, और जब वो सूत तैयार कर लेती थी, धागा तैयार कर लेती थी और अच्छा खासा उसके पास वो सूत तैयार हो जाता था, उसको फिर वो काट डालती थी, बड़ी मेहनत से तैयार करती थी फिर काट डालती थी। तो मक्के में लोग कहते थे बड़ी बेवकूफ़ औरत थे। तो अल्लाह ताला ने उस औरत का जिक्र किया कुरान के 14वें पारे, अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु कल्लती नकजत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकाता, ऐ ईमान वालों तुम उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी तैयारी से धागे को बनाया था, सूत को बनाया था, फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसको काट डाला, उसको बर्बाद कर डाला। ऐ ईमान वालों तुम भी ऐसे ना हो जाना, तुम नेकियों को, नेकियों का पहाड़ बना करके उसको अचानक से गिरा मत देना, तुम नेकियों की इमारत खड़ी करके उसको गुनाहों के जरिए ढा मत देना, गिरा मत देना। अगर एक महीना हम रमजान में नेकियों का पहाड़ खड़ा कर दें और बाकी के 11 महीने हम गुनाहों का बाजार गर्म करें, तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो सौरभ ने किया था। इसीलिए इमाम बिश्र बिन हाफी कहते हैं बिसल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान, कितने बुरे हैं वो लोग, कितने बदबख्त हैं वो लोग, कितने बदनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह को सिर्फ एक महीना पहचानते हैं, रमजान के महीने में पहचानते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह हमारा रब है सिर्फ रमजान में नहीं, शव्वाल में भी हमारा रब, ज़िलक़ादा में भी हमारा रब है, ज़िलहिज्जा में भी है, मुहर्रम में भी है, साल के 12 महीने वो अल्लाह हमारा रब है। इसलिए रमजानी न बने, रब्बानी बने, एक महीने के मुसलमान न बने, 1212 महीनों के और 360 दिनों के मुसलमान। अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ने इबादत का कोई महीना नहीं बनाया है। रमजान तो ठीक है, चलो नेकियों की एक सेल लगी है, नेकियों के अलग अलग अल्लाह ताला ने मौके दिए, मगर कोई नेकी रमजान के अंदर ऐसी नहीं है जो आम दिनों में आप नहीं कर सकते। क्या रोजा नहीं रख सकते आम दिनों में? क्या अल्लाह के नबी हर महीने में 3 रोजा रखते नहीं थे? आपकी सुन्नत नहीं थी कि हर महीने में कम से कम 3 रोजा रखा जाए?
क्या चांद की 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख का रोजा अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है? अय्याम 20 का रोजा क्या सोमवार और जुमेरात का रोजा अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत महबूब नहीं था? तो रोजा, फर्ज रोजा आप रमजान में रखते हैं नफली रोजा के लिए, साल के 11 महीने मौजूद हैं आपके पास। बल्कि इसीलिए रमजान के बाद शवाल में 6 रोजे रखने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। आपने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे सुम्म अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, और ये 6 रोजे शव्वाल में कभी भी रखे जा सकते हैं, ईद के दिन के अलावा। ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद का दिन खाने पीने का दिन, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते। साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना हराम है, एक ईद का दिन, एक ईद उल अजहा का दिन, और ईद उल अजहा के बाद 3 दिन अय्याम तशरीक। टोटल 5 दिन है साल में जिसमें रोजा रखना हराम है, नहीं रख सकते। रोजा इबादत है मगर अल्लाह का हुक्म है कि इन 5 दिनों में रोजा नहीं रखना है। तो शव्वाल के 6 रोजे शव्वाल में कभी भी रखे जा सकते हैं, लगातार रखना भी जरूरी नहीं है, जब भी आपको सहूलत हो पूरा महीना मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा रखा और फिर शव्वाल में 6 रोजे रखे, फकान्नहु सामद दहर, गोया उसने जमाने भर का रोजा रखा, जिंदगी भर उसने रोजा रखा। तो नेकियों के बहुत सारे रास्ते हैं जो रमजान के बाद भी खुले हैं। तरावी की नमाज आपने पढ़ी जमात से, बहुत अच्छी बात है। तरावी जिसने जमात के साथ तरावी पढ़ी, तरावी कितनी देर होती है? 1 घंटा। बड़े इत्मीनान से बड़ा लंबा तरावी कोई पढ़ाने वाला इमाम है, 2 घंटा हो गई तरावी, 2 घंटा आपने तरावी की नमाज पढ़ी, सवाब कितना मिला? अल्लाह के नबी फरमाते जिसने इमाम के साथ क़याम किया, जिसने रमज़ान के महीने में इमाम के साथ क़याम किया, तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, उसे रात भर क़याम का सवाब मिलता है। 1-1.5 घंटा की तरावी से अगर आपको रात भर नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है तो ये बहुत फायदे का सौदा है। मगर ये नमाज जिसको हम तरावी कहते हैं, ये आम दिनों में तहज्जुद के नाम से पढ़ी जाती है और इसकी बड़ी फजीलत है। आज आपने फजर की नमाज में सूरह सजदा की वो आयत सुनी होगी, इमाम साहब ने पढ़ाई होगी, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजिअ यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, जब रात में दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही होती है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर के खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल पढ़ते हैं। बड़ी फजीलत है तहज्जुद की नमाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज क़ियामुल लैल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़ियामुल लैल पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीका है, मक़रबत मरज़ातुन लिर्रब्बी, ये अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली नमाज है, मग़फ़रतुन लिस्सय्यात, ये गुनाहों को मिटाने वाली नमाज है, मनहातुन अनिल इस्म, ये गुनाहों से दूर करने वाली नमाज है, मत्रदतुन लिद्दाई मिनल जसद, और जिस्म की बीमारियों को दूर करने वाली। कितने बुजुर्गों को देखा गया कि तहज्जुद पढ़ने के जो आदी हैं उनके बदन की तकलीफें, उनके घुटनों का दर्द, उनके बदन के दर्द का इलाज है उनकी रात की नमाज, उनके क़ियामुल लैल। ये रात की जो नमाज होती है ना, ये बड़ी महबूब है अल्लाह, ये वो नमाज है ना जिसमें रियाकारी का शुबा नहीं होता। दुनिया सो रही है, अल्लाह का बंदा खड़ा है अल्लाह की बारगाह, और उस वक्त खड़ा है जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो मांगने का वक्त है, वो दुआ का वक्त है, उस वक्त अगर तहज्जुद पढ़ी जाए अल्लाह को बहुत महत्व है। तो मेरे भाइयों, इबादत का कोई महीना नहीं है, रमजान एक सैंपल है, एक नमूना है। रमजान ने हमको बताया कि इस तरीके से तू अगर चाहे तो तू तहज्जुद भी पढ़ सकता है। रमजान में हमने ज़कात निकाली, सदका खैरात किया, क्या आम दिनों में सदका खैरात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नेकी के रास्ते खुले। और इसीलिए आप देखिए कि रमज़ान ख़त्म होने पर अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया। ईद की नमाज के पहले पहले हमें सदक़े फ़ित्र निकालना है। जिस तरीके से कुर्बानी ईद की नमाज के पहले कर लेंगे तो कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज के बाद देंगे, ईद उल फित्र की नमाज के बाद देंगे, सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा, ईद की नमाज के पहले पहले देना है। और इसीलिए सहाबा किराम
एक दो दिन पहले देते थे, बहुत पहले एक हफ्ता पहले, दस दिन पहले देना ये सही नहीं है, एक दो दिन पहले आप दे सकते हैं। बेहतर तो ये है कि कल ईद है आज दे दीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन पहले दे दीजिए, ये हफ्ता भर पहले देने का रिवाज सही नहीं है। तो सदक़े फ़ित्र का हुक्म क्यों दिया गया, उसकी दो वजह बताई गई हदीसों पर। एक तो ये तुहरतुल लिसान कि रोज़ेदार से रोज़े के दौरान जो कमी हो गई, जो कोताही हो गई, ज़ुबान पर कुछ कंट्रोल खो दिया उसने, जिस्म के ऊपर कुछ कंट्रोल खो दिया, कुछ रोज़े में कमी आ गई, ये सदक़े फ़ित्र उसकी कमियों को दूर करेगा। और दूसरा मकसद ये वो तौमतल लिल मसाकीन, तमाम मिस्कीनों को खाना मिल जाए, ईद के दिन कोई भूखा ना रहे, ईद के दिन हर मुसलमान के घर में खाना बने, हर मुसलमान ईद की खुशी में शामिल हो, कोई भी ईद के दिन भूखा ना रहे, इसलिए सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया गया। और सबको देना है, ज़कात में तो क्राइटेरिया है ना, ज़कात में तो कंडीशन है, जिसके पास 85 ग्राम सोना है उसको ज़कात देना है, जिसके पास 595 ग्राम चांदी है उसको ज़कात देना है, साल भर उसके पास वो माल रहा हो तब ज़कात देना है, शर्तें हैं ज़कात की। सदक़े फ़ित्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है। ईद के दिन एक इंसान के परिवार की ज़रूरत से ज़ायद उसके पास रकम है, उसको अपने परिवार के हर मेंबर की तरफ से सदक़े फ़ित्र देना है, छोटा बड़ा, मर्द औरत, यहाँ तक कि ईद के दिन का सूरज निकलने से पहले बच्चा पैदा हुआ है उसका भी सदक़े फ़ित्र आपको देना है। हाँ, जो हमल में है, जो पेट में है, उसकी तरफ से नहीं, ज़रूरत नहीं देने। तो ये सदक़े फ़ित्र क्यों है मेरे भाई? यही ये सदक़े फ़ित्र भी इसीलिए दिया गया, ये बताने के लिए कि नेकी के रास्ते बहुत सारे हैं। रमज़ान को आप ये मत समझे कि अब ये महीना ख़त्म, नेकी ख़त्म। वाबुद रब्बक हत्ता याती अकल यकीन, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, ऐ मेरे नबी, आप अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि आपके पास मौत आ जाए, मरते दम तक, आखिरी सांस तक आप अपने रब की इबादत कीजिए, आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत। तो हमने जो रमज़ान को खास कर दिया, उसके बाद हम नेकियों से मुंह मोड़ लें, हराम चीज़ों में लग जाएं, एक महीना हमने अपने आप को खाने से दूर रखा, पानी से दूर रखा, और ईद का चांद नज़र आते ही हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा जिस्म हराम चीज़ों में मुलव्विस हो जाए, मेरे भाइयों, इससे बढ़कर के अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। हम अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ रमज़ान के रोज़ों का जिक्र किया है कुरान के दूसरे पारे में, अल्लाह ने वहां कहा कि हमने तीन बातों का तुम्हें हुक्म दिया है, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाता है, ऐ मोमिनों, तुम गिनती पूरी कर लो। चांद हो गया, अच्छी बात है, चांद नहीं हुआ तो 30 की गिनती पूरी करो, पहला हुक्म है गिनती पूरी करो। दूसरा हुक्म वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ईद का चांद नजर आते ही तकबीर जारी हो जाए जुबान पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द, ये तकबीर के कलमात जारी हो जाए। क्यों? अल्लाह ने इतना प्यारा महीना दिया है, एक महीना हमने सेहत व सलामती के साथ गुजार दिया, क्या गारंटी है मेरे भाई अगले साल रमज़ान हमें मिलेगा? कोई गारंटी है? कितने लोग थे हमारे दरमियान पिछले रमज़ान में, 23 साल नहीं है, कितने लोग इस साल हैं अगले साल नहीं हैं? और उन जाने वालों में जवान भी थे, उन जाने वालों में कम उम्र लोग भी थे, बच्चे भी थे। इसलिए अगर सेहत व सलामती के साथ, सब्र व सुकून के साथ अगर हमने एक महीने का रोज़ा बिता लिया, गुजार लिया, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पर हम तकबीर के कलमात, अल्लाह की बड़ाई के कलमात जारी, हमारी ज़ुबान से जारी हो जाने चाहिए। और तीसरा हुक्म है वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये दो रकात नमाज जो कल हम लोग पढ़ेंगे, ये अल्लाह का शुक्राना है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें तौफीक दी, हमने तेरे रोज़े पूरे किए, हमने तरावी की नमाज पढ़ी, हमने अपने मालों की ज़कात निकाली, हमने ये तमाम इबादतें की, अल्लाह इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो उसके अंदर मजीद नेकियों का शौक पैदा होता है। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, जैसे इंसान पैसा कमा रहा है, अब उस पैसे के ऊपर अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह और पैसा देगा। अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमारा शुक्रिया अदा करोगे हम और देंगे। तो नेकियों पर भी अगर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह हमें मजीद नेकियों की तौफीक देगा। तो मेरे भाइयों, हमने जो नेकी की है ना, अब इस नेकी को कैसे बचा ले इसकी हम फिक्र करें, इस नेकी को अल्लाह कबूल कैसे कर ले इसकी चिंता करें,
سلف صالحین چھ مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور جب رمضان میں ایک مہینہ عبادت کرتے تھے تو باقی چھ مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں تو ان کو قبول فرما لے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے کونوا اشد اہتماما لقبول العمل, عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کیا کرو عمل سے زیادہ. جب بھی کوئی عمل کیا کرو تو اس بات کی فکر کیا کرو کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ارے ہم لوگ اپنے روزوں پر ناز کرتے ہیں, ہمارے روزوں میں نہ جانے ہم کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں. ہم اپنی نمازوں پر ناز کرتے ہیں, ہماری نمازیں کون سی نمازیں بھائی, یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں, یہ بیمار نمازیں, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, ایک جسم پر ایک دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے, اور اس نماز پر ہمیں ناز ہے کہ صاحب ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. خبردار خبردار اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا. اسی لیے شریعت نے ہر عبادت کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. نماز میں بھی آپ نماز پڑھتے ہی استغفار کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب آخری تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے, اور اے اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میرے اوپر رحم فرما, تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ دعا پڑھتے ہیں ہم درود شریف کے بعد. یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی, یہ بخاری اور مسلم کی روایت. اس دعا میں ہم نے اللہ سے مغفرت مانگی ہے. بھائی ہم کوئی گناہ کر کے تو نہیں بیٹھے نا, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, لیکن ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے نماز پڑھ دی, ہماری نماز میں پتا نہیں کون کون سی کمی اور کوتاہی رہی ہوگی, تو اے اللہ جو کمی اور کوتاہی رہی ہو تو معاف کر دینا. سلام پھیرتے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, ہم تین مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. کیوں استغفار پڑھتے ہیں؟ یہ استغفار پڑھنا گویا کہ اقرار ہے کہ اللہ ہماری نماز میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں گی, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے, اس لیے ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں. تو آپ کبھی غور کیجئے گا, اسلام میں ہر عبادت کے اینڈ میں استغفار ہے, اور روزے کے اینڈ میں بھی استغفار ہے. یہ صدقہ فطر بھی ایک طریقے کا استغفار ہے. صدقہ فطر ادا کر کے بھی آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو, تو اے اللہ میں اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے ایک سا اناج دے رہا ہوں تیری راہ میں, تو اس کو قبول کر, یہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. حج کرنے انسان جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, حج کرنے گیا, عرفات کے میدان سے واپس لوٹ رہا ہے. حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن عرفات کے میدان میں وقوف کرنا. پورا حج کر لیا آپ نے, عرفات میں نہیں گئے, آپ کا حج نہیں ہوگا. اب عرفات سے جب آپ لوٹیں گے, مصطفیٰ جا رہے ہیں, تو اس وقت آپ کی زبان پر کیا کلمہ ہوگا؟ آپ نے حج کر لیا, حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن آپ نے ادا کر دیا, اب آپ کی زبان پر کیا کلمہ ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارا اٹھائیے, ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ. اے حاجیوں جب تم عرفات سے لوٹنے لگو تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کے استغفار کے کلمات ہونے چاہیے, تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو. حج کے اینڈ میں بھی استغفار ہے. تو شریعت کے ہر نیکی کے اینڈ میں استغفار ہے, اس لیے رمضان کے بعد بھی ہماری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے, ہمارے عمل کے ذریعے بھی جھلکنا چاہیے کہ ہاں ہم نے اب تک جو گناہ کیا تھا گناہ کر لیا تھا, اب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, ہم توبہ کر رہے ہیں, اور اب آئندہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں. تو بھائیو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کیجیے. یہ جو تراویح ہم نے پڑھی ہے, یہ جو روزے رکھے ہیں, ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا, یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑا محلہ ہے, کوئی ایک بندے کو توفیق نہیں ہے, کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو اس اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرے. اللہ کے واسطے اسے طنز مت سمجھیے, مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. کہ آپ اسی بنارس میں کئی مسجدوں میں میں جانتا ہوں جہاں کسی بڑے عالم کے نام پر, کہ صاحب وہ بڑے عالم صاحب بیٹھتے ہیں اعتکاف میں, ان کے بہت سارے فالوورز, سینکڑوں کی تعداد میں اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اسی بنارس کی بات کرو,
बनारस के बाहर जिन इलाकों में मैं जाता हूँ, बड़ी तादाद में नौजवान नौजवान बाकायदा माशाल्लाह ऐसे नौजवान जो एक्टिव हैं, कारोबारी हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में ये तसव्वुर है कि नहीं, साल भर हम काम करते हैं, इन 10 दिनों में हम अल्लाह के लिए एहतिकाफ एक ऐसी इबादत है, 10 दिन के लिए आदमी कट जाता है, पूरी दुनिया से कट के अल्लाह से लौ लगा लेता है। तो इस एहतिकाफ की सुन्नत को भी हमें ज़िंदा करना चाहिए। हमारे यहाँ एहतिकाफ में बैठते भी हैं तो अब आजकल कई साल से तो मैं देख रहा हूँ कोई नहीं बैठ रहा, और बैठते भी हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग जो बिल्कुल ज़िंदगी से रिटायर हो, एक्टिव लोगों को बैठना चाहिए। तो इस सुन्नत को भी हमें ज़िंदा करना चाहिए। तो ये जो इबादतें हम कर रहे हैं मेरे भाइयों, हमें इनकी कबूलियत की फिक्र भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ औरतों के एतिकाफ का तो तसव्वुर भी नहीं है। हमारे यहाँ औरतों के अगर एतिकाफ की बात मस्जिद में की जाए तो साहब वो इंतज़ाम कहाँ है, फिर कौन सिक्योरिटी देगा, ये है वो है। आप इसी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में मैं जानता हूँ माशाल्लाह वहाँ औरतों के भी एतिकाफ का इंतज़ाम रहता है, और ये मसला तो आप सबको पता है कि औरतों का एतिकाफ मस्जिद ही में हो सकता है, घर में एतिकाफ नहीं हो सकता। अगर औरतों के लिए मस्जिद में बाकायदा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, उनको कोई ख़तरा नहीं है, तो वो मस्जिद में एतिकाफ कर सकती है। बहुत सारे शहरों में जहाँ मस्जिदें बिल्कुल सिटी के अंदर हैं, आबादी के अंदर हैं, वहाँ भरपूर इंतज़ाम है और औरतें भी एतिकाफ में बैठती हैं। हमारे यहाँ जुमा की नमाज में भी माशाल्लाह औरतें आती हैं तो सिर्फ रमज़ान के महीने में आती हैं, उसमें भी सास आ रही है तो बहू नहीं आ रही है, बहू को खाना बनाना है। क्यों ये तसव्वुर बनाया भाई आपने? जुमा के दिन थोड़ा पहले खाना बन जाए, थोड़ा लेट खाना बन जाए। जिस दौर में हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी कौम की बहनें गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, और हमने अपनी मस्जिदों में अगर औरतों को आना जाना उनका नहीं रखा, हमने जुमा की नमाजों में और जुमा के खुतबों में अपनी औरतों की हाजिरी नहीं रखी, तो आने वाले दौर में जो फितने हमारे सामने होंगे वो तसव्वुर के बाद। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे अहले हदीसों के अंदर भी कहीं कहीं बड़ा तकलीदी ज़हन है। इसी बनारस से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर में गाँव है 12, रमज़ान के पहले वहाँ मैं प्रोग्राम में गया। अब साहब वहाँ ईद की नमाज में औरतों का इंतज़ाम नहीं रहता है। अहले हदीस गांव है, पूरा पढ़ा लिखा गांव है, ज़्यादातर लोग वहाँ सरकारी नौकरी में, वहाँ ईद की नमाज में औरतों का अरेंजमेंट नहीं होता। मैंने पूछा क्यों नहीं होता भाई, बोले एक ज़माने से नहीं है तो हम नहीं कर रहे। मैंने तकरीर में वहाँ लोगों को समझाया, अल्लाह के रसूल की हदीसें पेश की, और ये बात भी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें ईद की नमाज में तो जाएंगी, बकरीद में नहीं जाएंगी। अरे बकरीद में बहुत काम रहता है, कोई एक हदीस आप ला के दिखा दीजिए कि अल्लाह के नबी ने ईद की ज़्यादा ताकीद की हो और बकरीद की कम की हो। औरतों को ज़रूर ईदगाह लेके जाएं। अब वहाँ मैंने तकरीर में बयान कर दिया कि औरतों को लेके जाएं। अब नौजवान बेचारे माशाल्लाह तैयार हो गए। मेरे पास रमज़ान में फ़ोन भी आया कि शेख साहब हमारे यहाँ माशाल्लाह नौजवान तैयार हो गए और आप आ जाइए, ईद की नमाज़ आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भाई किसी और से पढ़वा लो, मुझे मत, नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे हम। जब बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे मैं तैयार हो गया। फिर ये आइंदा जो आखिरी जुमा गुजरा है, इस जुमा को फ़ोन आया कि मौली साहब वो हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार हुए। बहुत सारे मसाइल में मैंने देखा कि नौजवान अगर दीन के मामले में आगे बढ़ना चाहता है तो बड़े अफसोस की बात है कि वो बुजुर्ग हजरात जिनका काम तो ये होना चाहिए कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करें, वो बीच में रोड़ा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, और वहाँ के बुजुर्गों ने कहा नहीं, जो काम अब तक नहीं हुआ हमारे गाँव में हम नहीं होने देंगे। नौजवानों को हिम्मत हार के बैठना पड़ा कि फितना ना हो जाए, फसाद ना हो जाए। तो ये हालात है। आप औरतों को मस्जिद में ज़रूर लेके आएँ जुमा की नमाज में, ख़ास तौर से अपने घर की बहू बेटियों को। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इंतज़ाम भी है, जहाँ इंतज़ाम नहीं है मैं वहाँ कहता हूँ कि इंतज़ाम करना चाहिए और औरतों को ज़रूर लेके आना चाहिए। ये दौर फितनों का दौर है मेरे भाई, और इस दौर में हम अपने ईमान को बचाएँ, अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करें, यह बहुत बड़ी बात है। कल इंशाल्लाह ईद उल फितर का त्यौहार है, हमारी इस मस्जिद पर भी इंशाल्लाह 7:15 बजे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, और जहाँ भी ईद की नमाज़ शक्कर तालाब में भी है, वहाँ कुछ पार्किंग वगैरह के मसले हैं, वहाँ भी आप अपनी सहूलत के हिसाब से जैसे जा सकते हो जाएं। मस्जिद में जो लोग पढ़ना चाहें मस्जिद में भी इंतज़ाम होगा, आप जाएं, और घर की ख़वातीन को भी ज़रूर आप ईद की नमाज़ में शामिल करें, और कोशिश करें मेरे भाइयों कि ईद की हम खुशी जायज़ तरीके से शरीयत की हदूद में रह के मनाएँ। ईद का दिन खुशी का दिन है मगर गुनाह का दिन नहीं है। कोई नाजायज़ काम, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम हम ना करें, अपनी नेकियों की हम हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हम सबको जो भी हमने रमज़ान में नेकियां की हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नमाज़ों को, हमारी तरावी को, हमारी तिलावत को, हमारे जो भी हमने नेकी के खैर के काम किए हैं अल्लाह उनको अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। हमारी नेकियों में जो कमियां और कोताहियां रही हों अल्लाह उनको दूर फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की इसलाह फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों की इसलाह फरमाए जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजर अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए।
ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سارے عالم اسلام کو امن و سکون کے ساتھ اپنا یہ تہوار عید الفطر کا تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔